हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सही होंगे सब। और अभी मैं घर पर हूँ और टाइम हो रहा है 1, और अब मैं निकल रहा हूँ काम पे। सुबह थोड़ा लेट हो जाता हूँ, मुझे जल्दी काम पे जाना चाहिए, पर थोड़ा सा कमर में दर्द है ना, तो एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तो उसमें मैं लेट हो जाता हूँ। तो कल माशाल्लाह काम बहुत अच्छा हुआ था, बहुत मेहनत भी हुई थी। रात के 12 बजे घर पे आया था मैं, और अब 1 बज रहा है तो शाम को 10, रात को 10 या 11 वहीं तक घर आ जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज कहाँ कहाँ की सवारी मिलती है और कैसा काम होता है। और आज किसी पार्टी का फोन भी नहीं आया माल के लिए, तो आज सवारी ही पे ही काम करना पड़ेगा मुझे। और देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों मुझे पहली सवारी मिल गई है और मैं निकल गया हूँ काम पे, और पहली सवारी है नौशाद भाई हमारे, और इनको लेके जा रहा हूँ मैं अरविंद हॉस्पिटल। आज मेरा भाई मेरी गोली करवाएगा और देखता हूँ आज शाम तक कितना काम होता है कितना नहीं होता है। नौशाद भाई क्या कहते हो? भाई मैं जा रहा हूँ LNG में अपने ऑफिस के काम से अर्बन हॉस्पिटल, और ये भाई मुझे आज लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि तुम सवारी तो ढूंढोगे, चलेगा तो मुझे ले जाओ यार, 12 लीटर में पैसे देने वाला हूँ। ये फिर मुझे टैंकी लेकर के जा रहे हैं, अच्छा ही है। कोई नहीं, पैसा पैसा बड़ी चीज नहीं है, दोस्ती बड़ी चीज है। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये भरम इनका मैंने तोड़ दिया, कभी किसी भरम में जी रहे हो? ना ना ना, मैं किसी भरम में नहीं जीता, अल्लाह का शुक्र है। मैं दोस्तों ये देख सकते हैं आप, स्कूटी जा रही है और कितना ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है ये, इसकी गाड़ी सीज करनी चाहिए। एक तो दिल्ली के अंदर ऐसी बीमारियां फैल रही है और ये पोल्यूशन फैला के और बीमारियां फैला रहा है। देख सकते हैं कितना ज्यादा धुआं निकाल रहा है ये पिछवाड़े से अपने, जबरदस्त वाला। इसकी गाड़ी सीज होनी चाहिए, मैं इसको पकड़ नहीं सकता क्योंकि मेरी गाड़ी थोड़ी कम स्पीड की है। देख सकते हो वो जा रहा है स्कूटी वाला। दोस्तों भाइयों पीछे घाट अब पहुंच चुकी है, जबरदस्त नजारा है और एक नंबर का व्यू आ रहा है। मौसम बहुत बढ़िया है, ना सर्दी है ना गर्मी है, मजा बांध दिया ज्यादा। पहले गाड़ी हवा से बात कर रही है, साहब 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 यहाँ पे भगाए पड़ा है, बोलेगा ये आदमी। दोस्तों हम पहुंच गए हैं सराय रोला स्टेशन, और ये मेरे भाई नौशाद का गांधी लेटा हुआ है, इसको जबरदस्ती पकड़ लाया मैं, और ये आने को तैयार नहीं हो रहा था बंदा। मैं जबरदस्ती खींच खाच के लेकर आया हूँ, देखिए किस तरह ऑटो में आराम से बादशाह वाली जिंदगी बंदा जीत रहा है। नहीं नहीं नहीं, चेहरे में थकान अलग ही नजर आ रही है भाई साहब, ये नहीं कह सकते। थकान इसलिए है भाई के लंच नहीं करा अभी तक, चलो तुम्हें लंच भी करवाएंगे इंशाल्लाह। अभी 4 बज रहे हैं और और अभी सराय रोला स्टेशन पे हूँ, आनंद पर्वत में पहुंचने वाला हूँ। आनंद पर्वत में थोड़ा सा मुझे काम था, तो उस काम को निपटा के फिर वापसी सीलमपुर। दोस्तों अभी हम है आनंद पर्वत पे, और आनंद पर्वत पे लगता है बड़ा तगड़ा वाला ट्रैफिक, देख सकते हैं कितना जाम हो रहा है इधर। और ये सीधा रूट जा रहा है पीरागढ़ी नागलोई मुंडका, और यहाँ पे हमेशा ही जाम रहता है, रेड लाइट यहाँ की कभी सही होती नहीं है, कभी ख़राब हो जाए तो कभी सही कराता ही नहीं कोई सही यार। देख सकते हैं अगर 10 मिनट का रास्ता को ये आधे घंटे का रास्ता बना देते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना वेल्डिंग वालों की दुकानें हैं, स्टील वालों की दुकानें हैं, तो इसकी वजह से लोडिंग गाड़ियाँ खड़ी होती है, उसी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक लगता है। तो दोस्तों हमें लग रही थी भूख, नौशाद भाई ये रहे हमारे, और भूख के मारे ना कलेजा खिंच रहा था, तो हम खाने जा रहे हैं छोले भटूरे। ये छोले भटूरे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, आजाद मार्केट में कृष्णा वाले हैं, और देख सकते हैं कितने लाजवाब ये छोले भटूरे हैं, बिल्कुल सिके हुए। और हम यहाँ से छोले भटूरे खा के उसके बाद पियेंगे लस्सी, और वो लस्सी भी बड़ी जबरदस्त है। गर्मियाँ शुरू हो गई तो मेरे ख्याल लस्सी मिल रही होगी, लस्सी पियोगे? जरूर भाई, इंशाल्लाह जरूर पियूंगा। और सारे उठा ना बहुत अच्छे माशाल्लाह, और ऐसे ना भूख लग रही थी यार, करीब 4:30 का टाइम हो रहा है, और 7 बजे का नाश्ता करा हुआ था, कढ़ाई तक खींच रहा था, मगर मजा आ गया सर, छोले में सुहा हो गया, छोले भटूरे का टेस्ट बहुत अच्छा है और भूख भी बहुत चल रही है।
तो दोस्तों छोले भटूरे खाने के बाद हमारा पेट गया भर और बहुत अच्छे छोले भटूरे थे। अब भाई नौशाद ने पिलाई लस्सी। लस्सी के बारे में क्या कहना चाहते हो भाई? मैं लस्सी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये लस्सी नहीं है, लस्सा है, क्योंकि इतना बड़ा गिलास है लस्सी का। मैं छोले भटूरे खा के मेरा पेट ऑलरेडी फुल हो चुका था, ये कह रहे भाई लस्सी पिला दो। मैंने कहा चल ठीक है होगा गिलास जो कुल्लड़ वगैरह के होते हैं। अब यार ये इतना बड़ा लस्सा दे दिया, अब ये साला पी करके पेट पता नहीं कहाँ जाएगा। और बड़ी बेहतरीन लस्सी हो रही है, स्वादिष्ट है और मुझे लस्सी बहुत पसंद है। गर्मियों में ज्यादातर मैं पंकज वगैरह के साथ और चांद भाई वगैरह के साथ हम यहीं आके लस्सी पीते हैं और बहुत अच्छी लस्सी है ये। आपका आजाद मार्केट में है कुंदन लस्सी वाला, बहुत जबरदस्त मजा आ गया। लस्सी तो ठीक है मगर फिर जब आदमी उतना ही तो ले पाएगा जितना उसके पेट में गुंजाइश होगी, ये लस्से का गिलास जाएगा कहाँ? तो दोस्तों ये लस्सी पीने के बाद जाएंगे सीधा घर और ये होंगे बड़े हुए होंगे, क्योंकि एक बात है खाने के बाद अगर आप मीठा खा लो ना ये लस्सी बस अगर आप पी लो नींद बड़ी जबरदस्त आती है और इनकी आंखों से छलक कर रहा है। अच्छा बेटे से मुझे याद आया हमारे भाई पंकज ठीक है? हाँ वो ठीक है। चलिए दोस्तों लस्सी का एंजॉय लेते हैं और चलते हैं सीधा घर।